इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवी की वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। सांदीपन मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया। भीष्मक नंदनी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगनी रुक्मणी को वे वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुण अमृत कलश को ले आए थे। स्वयंवर में सात बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नागन जिती सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मांग भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाई। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ है। अपने विशाल डील डोल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। वहां भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थीं, वे दीन बंधु भगवान श्री कृष्णचंद्र को देखते ही खड़ी हो गई और सबने महान हर्ष लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वरण कर लिया। तब भगवान अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पाणी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब कालियवन जरासंध और सालवादी ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवा दिया था। शंबर द्विविध बाणासुर मुर बलबल तथा दंत वक्त्र आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु और स्त्री दोनों नष्ट हो चुकी थी तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांग टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने सारथी के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता ना हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इसे 18 अक्षुण सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंशरूप प्रद्युम्न आदि के बल से बड़े हुए यादवों का दुस्सह दल बना ही हुआ है। जब ये मधुपान से मतवाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे तब उससे ही इनका नाश होगा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं। असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। यों सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राज गद्दी पर बिठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पूर्ववंश का बीज स्थापित किया था वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेघ यज्ञ करवाए और वे भी भगवान श्री कृष्ण की अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे।
विश्वात्मा भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान स्नेमयी चितवन सुधामयी वाणी निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन है और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया, तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभीष्ट है यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को साप दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद भावी वश विष्णु भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर देवता ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौए दी। उन्होंने सोना चांदी सैया वस्त्र मृग चर्म कम्बल पालकी रथ हाथी कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत दर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में चौथा अध्याय उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाने का प्रसंग श्रवण करते हैं। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदरा पी, उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। मदरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से मांसों में आग लग जाती है उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लगी। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्र का आश्रम चले जाओ। विदुर जी, इसी यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है वे प्रियतम प्रभु शोभाधाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध सत्व में अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं, उनकी चार भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाई जांग पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। इसी समय व्यासी जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां पहुंचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं, आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे, विश्व की रचना करने वाले प्रजापति और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मृत्यु लोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय वहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है।
यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल में पद्म कल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा की प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भगवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा वर्षा करती थी। इस समय उनकी इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे स्वामिन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ धर्म काम मोक्ष इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है, तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही ललायित रहता हूँ। हे प्रभु।